टीकमगढ़ शहर के मानस मंच पर संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को अम्बेडकर नवोदय विद्यालय की सौगात मिली। बताया जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशानुसार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाना सुनिश्चित किया गया था। इसी क्रम में टीकमगढ़ जिले में संत रविदास जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय राजेंद्र पार्क में मानस मंच पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन प्रातः 11 बजे से किया गया, जहां संत रविदास जी के जीवन के बारे में मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण के माध्यम से लोगों को बताया गया। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए नवोदय विद्यालय खोला जाने की घोषणा भी की। हम बाती जाति जोत जलत दिन राती, रूजी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। ऐसे श्रेष्ठ संत समाज पर हम पर कष्ट या संकट होता है, कष्ट आता है तो अहिरवार समाज सबसे आगे गोदी में गंगा भरने गया, जो काम किया है वो कर रहे हैं। यह प्रदेश की जनता भी शिवराज जी की जो कठौती है आने वाले समय उसमें गंगा के रूप में पानी भरने का काम करेगी। मैं तो उधर वाल्मीकि समाज, इधर अहिरवार समाज, उधर महर्षि वाल्मीकि जी, इधर संत रविदास जी, और दोनों के संदेश की जो समाज है जिसे हमारे टीकमगढ़ क्षेत्र में संत शिरोमणि रविदास जी के जो अनुयायी है वो यहाँ अहिरवार लिखते हैं। तो जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने समाज के लिए सोचा है कि उनसे संबंध, चाहे वो कोई समाज हो, क्योंकि वो व्यक्तिगत एक समाज के नहीं है, अब वो सभी समाजों के संत थे, तो हम चाहते हैं कि इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्राप्त। उनकी व्यक्तित्व कृतित्व बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संत रविदास जी ने अपने जीवन में धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। यह वास्तव में यह बात सही है, संत रविदास जी के जो अनुयायी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।